चलो ए साइरन इमिट ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर टुवर्ड ए क्लिप। ये डॉपलर इफेक्ट का, यार डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन करने का मैं सबसे आसान तरीका आपको बताया हूँ यार, जो नया एक साइन कन्वेंशन है जो आपको उसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है यार। अब साइरन है और वो 800 फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, समझने की कोशिश करना। यहाँ एक क्लिप है, क्लिप मतलब होता है पहाड़। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड बता रहा हूँ, अब दोनों समझने की कोशिश करना इन दोनों मेथड से। फर्स्ट मेथड, यहाँ एक ऑब्जर्वर है और इससे एक साइरन साउंड का सोर्स, ये मैं बना देता हूँ साउंड का सोर्स, ये मूव करते हुए इस पहाड़ की साइड जा रहा है। ऑब्जर्वर रेस्ट में है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है और इमिट साइरन, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 800 हर्ट्ज जनरेट कर दिया। समझने की कोशिश करना, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जीरो है और स्पीड इसकी दिया हुआ 15। इसकी जो स्पीड है सोर्स की स्पीड वो 15 मीटर पर सेकेंड है। ये ऑब्जर्वर सुनेगा, ये सोर्स है लेकिन आगे जा रहा है, आगे एक पहाड़ आ गया यार। अब कुछ टाइम बाद ये जो साउंड जनरेट किया वो यहाँ से साउंड जाएगी इस टाइप से, इस पहाड़ से टकरा के इसको सुनाई देगी ई को, तो उसको जो फ्रीक्वेंसी एफ डैश मिला इसी की हमें कैलकुलेशन करनी है। साउंड की जो स्पीड है उसको मैं कंसीडर करूँगा 330 मीटर पर सेकंड में कंसीडर कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, उन दोनों से आप बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। जो यहाँ सोर्स है, समझना, ये जो सोर्स है इसका यहाँ पर मैं एक इमेज बना दूंगा, यहाँ पे मैं एक इमेज बना दिया ये इस मेथड में। ये यहाँ से ये जो सोर्स है वो यहाँ से ऐसे आ रहा है, अब ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये जो ऑब्जर्वर है इसको ऐसा लगेगा कि ये जो साउंड का सोर्स है वो इसको इधर से आता हुआ नजर आ रहा है, सामने से इधर से। तो इस मेथड में ये ऑब्जर्वर हो गया और ये साउंड का सोर्स हो गया, साउंड का सोर्स अब ये 15 मीटर पर सेकंड इधर आ गया, समझना, साउंड का सोर्स और ये साउंड अब इधर से आएगी, इधर से साउंड आएगी और इधर मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ 330 मीटर पर सेकेंड। अपना जो फार्मूला वो क्या है, फ्रीक्वेंसी एम डैश बी माइनस बी ओ और बी माइनस बी एस और ये मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ओ एस याद रखो यार, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि ऑब्जर्वर ऊपर रहेगा कि सोर्स है, तो ओ एस इस टाइप से याद रखो। चलो तो इसको जो फ्रीक्वेंसी मिला ओ एफ डैश और इसका मैं इमेज यहाँ बना लिया, तो साउंड की स्पीड 330 और इधर मैं पॉजिटिव ले लिया हूँ तो 330 और माइनस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहाँ है यहाँ पे, ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है जीरो यार, बराबर है 330 और माइनस सोर्स ये हो गया, ये नहीं रहा यार, इसका मैंने इमेज बना लिया, सोर्स इधर हो गया, तो अगर सोर्स इधर हो गया तो सोर्स की स्पीड इधर मैं पॉजिटिव ले लिया हूँ तो ये आ जाएगा प्लस 15, मतलब कुल मिला के वही रहेगा और फाइनली इसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 800 आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस रख दिए और ये फाइनली जो एफ डैश कैलकुलेट कर लोगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा 837, फाइनली इसको 838 मिल जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना 838 हर्ट्ज मिल जाएगा। तो पहला तो लॉजिक ये हुआ कि उसका इमेज बना लेंगे उस साइड, दूसरा लॉजिक ये हुआ अगर आप इसको इमेज नहीं बनाना चाहते हो तो भी इसको सॉल्व कर सकते हो सेकेंड मेथड में। यहाँ पर एक पहाड़ है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है और यहाँ पर एक साउंड का सोर्स है और ये इधर जा रहा है, ये स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है और ये ऑब्जर्वर ऑलरेडी रेस्ट में है, सोर्स मूव कर रहा है इधर और साउंड भी इधर ही जा रही है 330 मीटर पर सेकेंड से। अब सेकेंड में क्या क्या कंसीडर करते हैं हम, अगर इसने फ्रीक्वेंसी एफ जनरेट किया तो ये जो पहाड़ है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिला एफ डैश, बराबर है, तो एफ डैश को पहले कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया सोर्स और ये हो गया ऑब्जर्वर फर्स्ट केस में,
ये इसको मैं ऑब्जर्वर कंसीडर कर रहा हूँ, ये रिसीव कर रहा फ्रीक्वेंसी, तो इसको मैं ऑब्जर्वर कंसीडर कर रहा हूँ जो फ्रीक्वेंसी एफ डैश। अब ये जब ई को रिफ्लेक्ट करेगा तो सेकेंड टाइम ये ऑब्जर्वर यही सोर्स हो जाएगा, तो यहां पर इसको मिलेगा फ्रीक्वेंसी एफ डबल डैश, इसको फ्रीक्वेंसी मिला एफ डबल डैश, ये वाली चीज क्लियर है। दो स्टेप है, पहले स्टेप में ये सोर्स हुआ, ये ऑब्जर्वर हुआ, रिसीव किया फ्रीक्वेंसी एफ वन। सेकेंड केस में ये कहानी एफ वन खत्म हो गई, कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड केस में ये सोर्स बन जाएगा जो फ्रीक्वेंसी एफ डैश इमिट किया, और ये ऑब्जर्वर बन जाएगा एफ डबल डैश। क्लियर है? चलो तो कैलकुलेट कर लेते हैं। डेटा सब वही रहेगा, और ये है डेटा वही है, 800 फ्रीक्वेंसी है, 15 है एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी, ये आ जाएगा वो 800 हर्ट्ज है, बराबर है। चलो तो पहले एफ डैश, अपना फार्मूला क्या है, एफ डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ एंड वी माइनस वी एस और मल्टीप्लाइड बाई एफ। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, एफ डैश जो यहाँ पर ऑब्जर्वर हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया इस टाइम, तो 330 माइनस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की स्पीड इसकी जीरो चली गई, 330 माइनस सोर्स, इधर मैं पॉजिटिव ले लूँगा, साउंड की स्पीड इधर जा रही उधर मैं पॉजिटिव ले लूँगा, तो ये सोर्स है तो ये आ जाएगा प्लस 15, मतलब वो 15 ही रहेगा, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 800। तो दिस इज द स्टोरी इन द फर्स्ट केस, दैट इज एफ डैश इज इक्वल टू 330 एंड 315 और मल्टीप्लाइड बाई 800, दैट इज एफ डैश इज इक्वल टू 338 हर्ट्ज़, 838 हर्ट्ज़। ये तो 838 हर्ट्ज़ जो है, 838 हर्ट्ज़, इसने क्या किया समझना, इसको मिला 838 हर्ट्ज़। अब ये ई को जनरेट करेगा, अब ये जो ऑब्जर्वर था वो सोर्स बन जाएगा, अब ऑब्जर्वर फाइनल ए है, तो अगर ऑब्जर्वर फाइनल ए है तो अब इसको मिला एफ डबल डैश, एफ डबल अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वी माइनस वी ओ और वी माइनस वी एस एंड मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वी माइनस वी एस। अब चलो साउंड की स्पीड 330 है, अब इधर से इधर मैं पॉजिटिव ले लिया हूँ, इधर से इधर मैं पॉजिटिव लिया, ऑब्जर्वर ये है जिसकी स्पीड जीरो है, और 330 माइनस सोर्स, सोर्स क्या इस समय पहाड़ है, तो पहाड़ भी तो रेस्ट में है यार, तो एफ डैश मतलब एफ डबल डैश इज इक्वल टू एफ डैश मतलब 838 हर्ट्ज़, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, 838 हर्ट्ज़ फाइनली मुझे मिल जाएगा, दिस इज द मतलब हम लोगों को ए ऑप्शन सही है।